तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेसिंग रफ्तार पर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे यार। तो भाई क्या बात करूँ, हाँ आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। तो माइनक्राफ्ट के हमने 3 सीरीज शुरू कर रखी है, जिन जो है मतलब एक तो एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट और दूसरी है जो अभी ये कहाँ आ गया मैं, हाँ ये तो मेरा बेस है यार। तो दूसरी स्काई ब्लॉक की और भाई तीसरी है जो कमांड्स ब्लॉक की है ना, तीसरी सीरीज कमांड्स ब्लॉक की। अगर आप तीनों को देखना चाहते हो ना, तीनों सीरीज का लिंक मैंने ऊपर आई बटन मिल दिया है, यहाँ पे आप सभी को काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो भाई वीडियो को देखने से क्या हुआ, हाँ तो वीडियो को देखने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी माइनक्राफ्ट के बारे में। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो वीडियोज़ को देखने के बाद आप माइनक्राफ्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले कर पाओगे, ये मैं आप सभी को पहले ही बता दूँ भाई। हाँ ये बात हो गई है, आप थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ मेरे वर्ल्ड की। क्यों वर्ल्ड की क्यों बात करूँ, हाँ यार वर्ल्ड की बात इसलिए कराऊँ कि मेरे को कमेंट आए बहुत सर यार कि वर्ल्ड लेक कर रहा है तो थोड़ी बहुत सेटिंग चेंजेस कर लो, सेटिंग में चेंजेस कर ले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे पता है कौन सी सेटिंग की में चेंजेस करनी है और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है यार, काफ़ी अच्छा वीडियो है यार, काफ़ी अच्छे व्यूअर्स पे। हाँ तो सेटिंग में चेंजेस तो कर लूँ भाई, लेकिन अगर सेटिंग में चेंजेस करता हूँ ना तो यार वो माइनक्राफ्ट है ना, वो माइनक्राफ्ट के जैसा दिखता ही नहीं है भाई, ये बात आप सभी को पहले बता दूँ। तो वो ना कुछ जो जो एक्साइटिंग प्लानेट है, ऐसे बहुत सारे नकली माइनक्राफ्ट है प्ले स्टोर पे आप सभी को मिल जाए। अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट करना, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो बहुत सारे नकली माइनक्राफ्ट है और काफ़ी अच्छे यार, खेलने में तो मज़ा आता है माइनक्राफ्ट का जैसे ही है, तो माइनक्राफ्ट उनके जैसा दिखने लग जाता है यार। तो माइनक्राफ्ट भाई, माइनक्राफ्ट की क्वालिटी यही तो है, माइनक्राफ्ट को लोग क्यों पसंद करते हैं। माइनक्राफ्ट के जैसे बहुत सारे गेम हैं लेकिन फिर भी माइनक्राफ्ट इतना पॉपुलर क्यों है, ये पेड गेम है भाई, सब फ्री है लेकिन फिर भी माइनक्राफ्ट पॉपुलर है, ये मैं आप सभी को पहले ही बता दूँ। जो माइनक्राफ्ट में जो रहता है ना, मतलब इसके शेडर्स है ना यार, इसकी जो ग्राफिक्स है ना, इसी की वजह से माइनक्राफ्ट पॉपुलर है यार। काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है इसके, मतलब ग्राफिक्स में मैं व्यू की बात कर रहा हूँ, जैसे वीडियो दिखता है ना किस तरह से दिखता है, देखो ये, देखो ये कबल स्टोन किस तरह का दिख रहा है और ये देखो स्टोन किस तरह का दिखता है, ये देखो जो ये टॉर्च किस तरह की दिख रही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर ये नहीं होगा ना तो माइनक्राफ्ट में कुछ मतलब नहीं है। माइनक्राफ्ट में आपने बहुत सारे शेडर्स पर ट्राई किए होंगे, मैंने भी काफ़ी शेडर्स पर ट्राई किए लेकिन मेरे को अभी तक सच्ची बता रहा हूँ मेरे को कौन सा शेडर्स पर आरटीएस को छोड़ के, वो तो अब आप बोलोगे आरटीएक्स में तो स्टेटस फेक है, लेकिन यार मैं बता दूं आप सभी को आरटीएक्स में भी इतना मज़ा नहीं आता जितना जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में स्टेटस है ना इसमें आता है, जो इसका ग्राफिक्स है ना इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है माइनक्राफ्ट में, इसलिए यार मैं जो सेटिंग है ना उसको चेंजेस नहीं करता हूँ यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई सेटिंग चेंज करने में, आसानी से कर लूँ। ये तो इसी बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने बता दिया है मैं सेटिंग चेंज क्यों नहीं करता हूँ। तो अब बात करते हैं भाई आज के वीडियो के बारे में। हाँ भाई आज का वीडियो क्या है, हाँ तो आज हम बात करेंगे पोशन के बारे में। तो माइनक्राफ्ट में पोशन किस तरह से बनता है, उसका यूज़ क्या है। तो देखो पोशन के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बता दूं कि इसका यूज़ क्या है। तो माइनक्राफ्ट में पोशन क्या काम आता है, तो हमें ना माइनक्राफ्ट में पोशन है ना वो बहुत सारी हमारी हेल्प करता है। तो किस तरह से हेल्प करता है, मान लो एक स्पीड की पोशन है, तो अगर आप धीरे चलते हो तो वो पोशन के पीने के बाद आप सभी बहुत तेज चलने लग जाते हो, तो ये मदद तो हुई है हमारी यार, और क्या होगा। और दूसरा है भाई जो नाइट विज़न की पोशन है, तो अगर आप उसको पीने के बाद आप नाइट में भी देख सकते हो, कितना बड़ा बात है भाई, कितनी बड़ी बात है आप नाइट में भी देख सकते हो। और जो पानी के अंदर सांस लेने की पोशन है, तो उसका यूज़ करके आप पानी के अंदर भी सांस ले सकते हो। इस तरह से पोशन है ना हमारी हेल्प करता है, इसलिए माइनक्राफ्ट में ये ऑप्शन हमें दिया है पोशन बनाने का। तो पोशन किस तरह से बना सकते हैं आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। तो देखो मैंने ये अलग सा घर बनाया, छोटा सा ये पोशन रूम बोलूँगा मैं इसको, हाँ भाई पोशन रूम बोलूँगा इसको। तो अब शुरुआत करते हैं पोशन बनाने की, तो भाई वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना किस तरह से ये बनेगा। तो अगर आप सभी को पोशन बनाना पहले से ही आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, देख लो भाई फिर भी वीडियो को देख लो और सीख लो भाई किस तरह से बनता है ना। तो आप सभी को आता है तो आप सभी को पता है क्या सीखोगे, फिर भी देख लो वीडियो को यार, कोई बड़ी बात नहीं, देख लो ना। अगर नहीं पता है किसी को तो यार अभी सिखा देता हूँ मैं आप सभी को किस तरह से बनता है। तो आप सभी को शुरुआत से बता दूँ, आप सभी को पहले ये ब्रह्मरिंग स्टैंड चाहिए, देखो किस तरह का दिखेगा, मैं आप सभी को यहाँ पर रखता हूँ। तो ये देखो ये सबसे पहला बनाना है अगर आपको पोशन बनाना है, तो ये किस तरह से बनता है मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन को चेक करो, वहाँ पे आप सभी को इस वाले वीडियो का लिंक मिलेगा। तो इस वाले वीडियो को पहले देख लीजिए ये ब्रह्मरिंग स्टैंड किस तरह से बनेगा, तो इसको मैंने बता दिया। हाँ तो देखो ये ओपन होगा, देखो इसको ओपन भी कर सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, हाँ तो इसी के अंदर हम बनेंगे हमारा पोशन बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो वे लोग उसके बारे में शुरुआत से बात करता हूँ। तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है,
कितना सब कुछ इसके अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये ना ब्लेज रोड है इसके बारे में। तो ब्लेज रोड कहाँ पे मिलेगी, तो भाई नेदर में एक मॉब है ब्लेज नाम का, उसको मारने से आपको जो ब्लेज मिलेगी। हाँ तो ये देखो, ये ब्रेमिंग स्टैंड का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है किस तरह से उसको मारते हैं, वो किस तरह से मिलता है आपसे, वो इसके बारे में मैंने बता दिया उसमें ना, देख लीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, जो ब्लेज रोड है ना इसको क्राफ्टिंग टेबल पर लेके जाना। देखो मैंने यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रख रखी है, तो बेसिक इसको ओपन करता हूँ, आप सभी को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में जाना है। देखो यहाँ से आप सभी को बनाना है ब्लेज पाउडर। हाँ भाई, ब्लेज पाउडर आप सभी को बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप आसानी से ब्लेज पाउडर बना सकते हो। देखो मैंने काफ़ी बना रखा है, तो मैं इसको क्यों चेक करता हूँ बार बार, सब कोई इसमें है। तो देखो मैंने कितने सारा ब्लेज पाउडर बना रखा। आप सोच रहे होंगे भाई तूने इतने सारे ब्लेज कैसे मारे, तो आप सभी को पता होगा कि मैंने परसों भी वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पर, कल तो वीडियो डाला है, लेकिन मैंने वो विलेज टूर पर वीडियो बना दिया, मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया विलेज टूर पर। हाँ तो मैं इसी पर वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने देखो मैंने सोचा यार एक खत्म करना है एक बार में, तो दोबारा मेरे को जो ब्लेज है ना वो लेके लेने जाना ही नहीं पड़े नेदर में, तो मेरे को नेदर में जाने में कुछ मज़ा नहीं आता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ यार। तो मैंने टंटा खत्म कर दिया एक बजे में यार, देखो मेरे पास कितना सारा है ब्लेज पाउडर। तो आप क्या करना है, फिर इसको ओपन करना है यार, जो ब्राउनिंग स्टैंड है इसको ओपन करना है। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लेज पाउडर का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आप सबको ये रखना है। तो इसको रखने से क्या होगा ना, तो देखो जैसे हमारी फर्नेस है ना, तो उसको चालू करने के लिए फ्यूल चाहिए, गर्म करने के लिए फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल के तौर पर आप कोल यूज़ करते हो, जो है ना लावा यूज़ करते हो, उसके अलावा आप यूज़ करते हो वुड यूज़ करते हो, तो भाई इसको भी फ्यूल चाहिए। तो ये ब्रेमिंग स्टैंड का फ्यूल है, ये जो ब्लेज पाउडर है इसका फ्यूल मान सकते हो भाई, इसका फ्यूल, क्योंकि इसी से चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पर ये चार्ज हो गया है, ये लाइन है ना पूरी भर गई है, मतलब ये चार्ज हो गया है। फिर हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत पोषण बना के रखा है, तो आप सभी बना सकते हो। तो देखो आप सबको उसको ये चाहिए भाई, देखो ग्लास बोतल चाहिए। तो ये किस तरह से बनती है आप सभी को दिखाता हूँ, मेरे पास ग्लास है पहले से ही काफ़ी सारे, तो अभी तो मैं रिच हूँ भाई, मेरे वर्ल्ड में सब कुछ है मेरे पास। तो आपको सेकंड ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आप देखो वीक शेप में आप सभी को ग्लास को रखना है, आपको ग्लास बोतल मिल जाएगी। तो मेरे पास है, मैं नहीं बनाऊंगा अभी ना, तो आप सभी को पानी से बनना है। तो यहाँ तो आप इस तरह से पानी का स्रोत बना सकते हो, देखो यह इन्फाइनेट स्रोत है पानी का, इसलिए कभी ख़त्म नहीं होगा, इसमें से कितने पानी ले सकता हूँ मैं, काफ़ी ख़त्म नहीं होता ये, कि किस तरह से बनता है। तो मैंने इसमें स्काई ब्लॉक की सीरीज़ में बताया ये जो इनफाइनाइट वाटर सोर्स नहीं किस तरह से बनता है, तो मैं आप सभी को इसमें बता देता हूँ। देखो आप सभी को इसको चार ब्लॉक निकालने हैं, इस तरह चार ब्लॉक निकालने हैं, तो चार ब्लॉक निकालने और आपको एक पानी की बकेट डालनी है, यहाँ पे डालनी है और दूसरी डालनी है उस वाले कोने में, तो वैसे बन जाता है बिल्कुल ईजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। तो क्या हो गया बाहर निकलना। हाँ भाई, इसके बाद क्या करना है आप सभी को, मैंने कितनी बकेट कितनी बोतल बनानी, दो बना ली, तीन बना लेता हूँ, हाँ तीन बना ली। देखो आप सभी क्या करना है, फिर ये बोतल है ना, ये देखो बोतल का निशान आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी को यहाँ पे रखना है इन सबको। फिर आपको क्या करना है, देखो किसी भी चीज़ का हमें बेस बनाना होता है यार, तो बेस है ना, मान लो आप घर बना रहे हो, तो आपको घर की नींव बनानी होती है, फिर ही घर बनता है। इसी तरह जो पोषण होता है ना, तो आपको पोषण की नींव बनानी होती है पहले, मतलब बेस बनाना होता है। जब घर का बेस बनाते हो, फिर उस पर घर का स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर घर खड़ा होता है, बेस बनता है सबसे पहले घर का। तो भाई पोषण है ना, इसका भी हमें बेस बनाना होता है, उसको बोलते हैं बेस पोषण, जो बेस होता है ना पोषण का बेस बनाना होता है। तो वो किस तरह से बनता है आप सभी को दिखा, तो आप सभी को इस तरह से रखना है देखो बोतल को। फिर आपको नेदर वाट लेना, तो देखो नेदर वाट किस तरह का दिखता है, ये ना नेदर वाट देखो कितना सारा मेरे पास है, तो ये आप सभी को कहाँ पर मिलेगा, तो आप सभी को नेदर में मिलेगा भाई। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है पहले ही, अगर आपने देख लिया है आप सभी को पता है पहले से ये कहाँ पे मिलेगा, तो वो बड़ी बात नहीं। अगर नहीं पता है किसी को, तो ऊपर आई बटन को चेक करो, ये इस वाले वीडियो का लिंक वहाँ पे मिलेगा, तो आप सभी को ये कहाँ पे मिलेगा नेदर वार्ड, ये देखो ये नेदर वार्ड कहाँ मिलेगा, इसको आप ढूंढ सकते हो आसानी से उस वाली वीडियो की मदद से। हाँ भाई, उस वाले वीडियो का यूज़ करके इसको ढूंढ सकते हो। आपको नेदर वार्ड लेना है, मेरे पास देखो नेदर वार्ड है, आपको कुछ नहीं करना बस इसको। हाँ भाई, ये एक बात इंपॉर्टेंट बात बताओ, देखो ये कितने बड़े दिख रहे हैं ना आप सभी को, कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो भाई बड़े होने के बाद ही नेदर वार्ड को तोड़ना चाहिए। अगर आप देखो ये देखो ये देखो छोटा सा है ना, अगर आप इसको तोड़ोगे ना, तो आपको ओनली एक ही नेदर वार्ड मिलेगा, जो आपने लगाया है वही आप सभी को मिलेगा ना। तो इसको बड़े होने के बाद तोड़ना, फिर आपको तीन से चार नेदर वार्ड मिल जाएंगे, इस तरह से मिलता है ये सब, आप सभी को पहले ही बता दूँ मैं आप सभी को। हाँ, समझा दिया मैंने आप सभी को। फिर आपको क्या करना है, आपको ब्रेमिंग स्टैंड को ऑन करना है, यहाँ पर आपको नेदर वार्ड रख देना है। देखो ये शुरुआत होगी, देखो ये जैसे ये लाइन ये एरो पूरी नीचे तक जाएगी ना, तो आप सभी का पोषण का बेस बन जाएगा,
तो यार माइनक्राफ्ट में बहुत सारे पोर्शन है, ढेर सारे पोर्शन है, कोई क्या क्या काम आता है, देखो इसे फेंकने वाले पोर्शन है, पीने वाले पोर्शन है, तरह तरह के पोर्शन है। तो भाई एक एक पोर्शन के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, कौन से पोर्शन का क्या यूज़ है और उसको किस तरह से बनाते हैं। हाँ भाई सभी पोर्शन अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें लगती है, हाँ तो काफ़ी चीज़ें लगती है, तो वो किस तरह से बनता है इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से, आप टेंशन लो। तो आज तो हम सीखेंगे पोर्शन किस तरह से बनता है, और पोर्शन मतलब एक पोर्शन सीखेंगे जो स्पीड वाली, जो स्विफ्टनेस पोर्शन है ना स्पीड वाली, वो आज इस वाले वीडियो में मैं सिखा देता हूँ किस तरह से बनता है। तो देखो ये शायद बन गया होगा पोर्शन का, सॉरी पोर्शन का बेस बन गया, देखो ये अवकवर्ड पोर्शन का बेस बन गया। तो ये देखो अब पानी की बोतल नहीं रही भाई, अवकवर्ड पोर्शन बन गया। तो आपको नेदर वार्ट को ले लेना है, फिर आपको क्या करना है अगर आप स्पीड की पोर्शन बनाना चाहते हो तो आपको शुगर केन लेना है। तो मेरा शुगर केन कहाँ चले गया, देखो ये रहा शुगर केन। तो शुगर केन के बारे में हमने पहले ही बहुत पहले बात कर ली शुगर केन के बारे में, यार शुगर केन की का फार्म किस तरह से बनता है, ये कहाँ पर मिलता है, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। तो आप सबको फोर्थ ऑप्शन में जाना है, यहाँ से शुगर केन से शुगर बना लेना है। देखो शुगर बना ली मैंने कितनी सारी, हाँ भाई बना ली। फिर आपको क्या करना है, शुगर को लेना है और यहाँ पे जो हमने पहले नेदर वार्ट रखा है ना, यहाँ पे आप सभी को शुगर रख देना है। देखो फिर से शुरू हो गया है, तो ये जैसे ही भरेगा तो एक स्पीड की हमें मिल जाएगी। तो जो स्पीड की अगर पोर्शन बन जाएगी ना, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो वो किस तरह से कर सकते हो चेंजेस, जैसे ये पूरा होगा ना फिर बताता हूँ आप सभी को। तो इतने देर में फालतू की चीज़ों को रख दो यार जो मेरे पास है, तो इसको रखता हूँ, एक इसको भी रख देता हूँ, और तो कुछ भी नहीं है फालतू की। देखो हाँ ये बन गया, देखो जैसे अगर आप की वॉल्यूम तेज है ना फ़ोन की तो आपको सुनाई देता है जब ही बन जाता है। देखो ये बन गया, देखो पोर्शन ऑफ स्विफ्टनेस स्पीड 3 मिनट के लिए होगी ये, और वेन अप्लाइड तो प्लस से 20 स्पीड बढ़ेगी। तो 20 गुना में मान सकता हूँ शायद इसको, नहीं 20 गुना तो नहीं होगा, 20 प्लस स्पीड बढ़ जाती है इसको पीने से। हाँ भाई अब इसको ना, इसमें दो चेंजेस होते हैं अगर आप पोर्शन बनाते हो ना, उसमें दो चेंजेस होता है, या तो आप इसकी स्पीड को और ज़्यादा कर सकते हो, मतलब इस जो स्पीड पोर्शन है उसका सेकंड लेवल अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसके टाइम को बढ़ा सकते हो। दोनों चीज़ों को समझो आसानी से, देखो अभी इसको दिखाता हूँ। देखो इसका टाइम कितना आ रहा है, 3 मिनट टाइम है ना, और इसकी हमें 3 मिनट टाइम है और स्पीड 20 प्लस है। देखो मैं इसको दो को निकाल लूँ, अभी ना एक पे अप्लाई करते हैं। हाँ तो सबसे पहले हम इसके कि इस जो है ना इसका लेवल को बढ़ाएंगे। तो लेवल किस तरह से बढ़ता है, आप सभी को जो ग्लो स्टोन डस्ट है ना ये चाहिए होगा, ग्लो स्टोन ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा नेदर में आप सभी को। तो इसको ढूंढना बिल्कुल ईजी है। तो जो मैंने जो ऑटोमेटिक लैंप बनाया ना वो वाला वीडियो देखना, उसमें बताया ये कहाँ पर मिलेगा आप सभी को यार। तो मैं एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ यार ना। तो देखो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर शुगर रखा था ना, फिर आपको इसको यहाँ पर रख देना है। तो देखो ये फिर से शुरू हो गया, तो यहाँ पे अब इसका लेवल 2 हो जाएगा, लेकिन जो टाइम है ना वो कम हो जाता है यार इसमें। हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन लेवल तो बढ़ जाता है बट टाइम कम हो जाता है। देखो ये जैसे पूरा होगा एरो, तो ये जैसे एरो पूरा होगा ना ये बन जाता है, फिर क्या कुछ कुछ नहीं होगा। तो ये ग्लो स्टोन कहाँ पर मिलेगा, जो हमने ऑटो लैम्प बनाया ना लैम्प, हाँ भाई ऑटो लैम्प बनाया ना, वो वाला वीडियो को देखो, वो वाला वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट जोड़ दूंगा ऊपर में सारे वीडियोज़ की, उसको देख लीजिए। तो ये कोई बन गया, देखो अब देखो इसका टाइम भाई 1.5 मिनट टाइम हो गया है, लेकिन स्पीड प्लस 40 हो गई है। तो ये बहुत तेज़ दौड़ेगा आप सभी, अगर इसको पीने के बाद आप पी लोगे ना तो इसको बहुत तेज़ दौड़ोगे आप। देखो इसको मैं साइड में ले लूँ इधर, फिर मैं ये वाले लेता हूँ जो स्पीड की पोर्शन है ना। तो अब इसके टाइम को बढ़ाएंगे हम, तो टाइम किस तरह से बढ़ता है आप सभी को दिखा देता हूँ मैं आप सभी को अभी ना। तो आपको यार ये लेना है रेड स्टोन ना, रेड स्टोन लेना है आप सभी को, रेड स्टोन डस्ट लेना है। तो अभी देखता हूँ यहाँ पे, फिर आपको ना यहाँ पे रेड स्टोन रख देना है। अब बढ़ता है टाइम भाई, अभी कितना था, 3 मिनट था शायद ना, 3 मिनट था भाई, 3 मिनट ही था। तो अब ये शायद कुछ 8 मिनट हो जाएगा। हाँ ये टाइम बढ़ता है, इस तरह से आप इसका टाइम बढ़ा सकते हो यार। तो दो तरह का होता है, इसमें दो तरह के चेंजेस कर सकते हो, या फिर इसका लेवल बढ़ा सकते हो, या इसका टाइम बढ़ा सकते हो। तो मैं अपने बताऊँ भाई, लेवल बढ़ाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं, इसका टाइम बढ़ाया करो यार, क्योंकि टाइम बढ़ाने से हमें ज़्यादा देर तक इस पर काम कर सकते हो आप। देखो अब ये टाइम बढ़ गया, देखो फोटो स्पीड इसकी 8 मिनट हो गई, देखो आप सभी देख सकते हो इसके 8 मिनट हो गई है। वेन अप्लाइड तो ये 20% रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड 8 मिनट तक काम करेगा, ये इस तरह से ये काम होगा। देखो मैं दोनों को निकाल लूँ, हाँ भाई अब मैं देखो इसकी 8 मिनट है और इसकी 1.5 मिनट है, तो इस वाले को पीऊँगा अब मैं ना, तो इसको मैं पीने वाला हूँ, फिर आप सभी को दिखाता हूँ इसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी। तो मैंने पी ली है, तो देखो ये कितना तेज़ दौड़ता है यार,
इसको पीने के बाद देखो 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 भाई, तो माइंड क्राफ्ट में बहुत सारी पोर्शन है भाई, जंप की है, पता नहीं कैसी कैसी पोर्शन है, तो सबके बारे में हम बात करेंगे। देखो कितनी तेज़ दौड़ रहा है यार, लेकिन टाइम है ना वो ओनली 1.5 मिनट है, तो इसका जो लियन थे वो किस तरह दौड़ता है। अब दूसरी बात करूँ इसका लास्ट जो पोर्शन है ना उसका लास्ट ना, फिर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ ना। तो देखो लास्ट चीज़ के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस वाले को देखना जरूर ना। देखो कितना तेज़ दौड़ता है यार, काफ़ी मस्त चीज़ है। पोर्शन ज़रूर बनाना माइंड कार्ट में, अगर पोर्शन नहीं बनाओगे तो मज़ा ही ख़त्म है माइंड कार्ट का। अगर आप ना, आप देखो ये देखो अभी ये आधे मिनट है ना, अगर आप इसको अभी के अभी ख़त्म करना चाहते हो ना, तो उसका एक ही तरीका है, आपसे मिल्क होगा ना तो आप मिल्क पी लो यार। देखो बस ये ख़त्म हो गया। देखो जैसे मिल्क पिया ना, वो पोषण का इफेक्ट है ना, इफेक्ट ख़त्म हो गया, पोषण का इफेक्ट। तो बस यही है पोषण के बारे में, मैंने पूरी नॉलेज दी है और काफ़ी अच्छी तरह से आप सभी को पोषण को समझाने की कोशिश की है। तो भाई पोषण का जो अभी ख़त्म नहीं होता है, मैं पोषण की अलग से एक सीरीज़ बनाऊँगा माइंड कार्ट में, जितने भी पोषण है ना तो मैं सीरीज़ बनाऊँगा। इसके अलावा देखो पोषण की सीरीज़ बनाऊँगा और जो इंचेंटमेंट है ना उनकी सीरीज़ बनाऊँगा अलग से। ये दो चीज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड कार्ट में, तो उनकी अलग से सीरीज़ बननी भी चाहिए, मैं बनाऊँगा भी यार, तो वो टेंशन मत लेना। तो आज हमने स्पीड की पोषण देखा भाई, स्पीड की पोषण आपको शुगर की सहायता से आप स्पीड की पोषण बना सकते हो, इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी पोषण बहुत सारी मुश्किल है यार भाई, जैसे जंप की पोषण कैसे बनेंगे ना, वो थोड़ी मुश्किल है, उसके लिए चीज़ें चाहिए ना, तो वो मुश्किल है थोड़ा। देखो बस ये बता दिया मैंने आपसे किस तरह से बनता है, तो यार काफ़ी मेहनत लगी यार वीडियो बनाने में ना, तो मैंने कितना सारा बोला है, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है ना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए हो तो। अगर आपने कर दिया है पहले तो आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो कोई कमेंट हो मन में तो नीचे कमेंट कर देना, कुछ विचार हो तो कमेंट कर देना नीचे। तो यार अब दी एंड करते आज के वीडियो का ना, तो बाय बाय दोस्तों यार।